दोस्तों कावड़ के भी कई स्वरूप होते हैं। कुछ भक्त पैदल कावड़ लाते हैं जिसे झूला कावड़ भी कहते हैं, तथा कुछ भागकर कावड़ लाते हैं जिन्हें हम डाक कावड़ के नाम से जानते हैं। दोस्तों डाक कावड़ मुख्य रूप से गाड़ी के सहारे लाई जाती है, जिसमें कुछ भक्त मिलकर सामूहिक रूप से गंगाजल लाकर भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं, और इसी डाक कावड़ में जिक्र आता है डीजे का। जी हां दोस्तों, कावड़ यात्रा के दौरान भक्त डीजे बजाते हुए नाच गाकर गंगाजल शिवजी पर अर्पित करते हैं। डीजे का प्रयोग कावड़ यात्रा में कावड़ियों के मन बहलाने तथा भोलेनाथ के रंग में रंगे रहने का एक जरिया भी है। हालांकि कभी कभी सरकार द्वारा डीजे पर पाबंदी भी लगाई गई है, लेकिन दोस्तों सवाल अब ये उठता है, क्या इस बार भी उत्तराखंड सरकार ने डीजे पर पाबंदी लगाई है? तो दोस्तों इसका जवाब जानने से पहले आपको बता दूं कि आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, वरना बाद में पछताना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने फिलहाल डीजे पर किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है, डीजे पहले की तरह ही बजता रहेगा। लेकिन दोस्तों सरकार ने डीजे बजाने वालों पर एक चेतावनी जरूर जारी की है। दोस्तों उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से एक चेतावनी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि डीजे पर अगर किसी ने भी अश्लील गाने तथा किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने वाले गानों को चलाया तो पुलिस द्वारा उनके डीजे को जब्त कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि डीजे पर केवल भजन बजाने की ही अनुमति मिलेगी, क्योंकि कुछ लोग भीड़ में ऐसे हो सकते हैं जो माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे होते हैं। ऐसे अराजक तत्वों पर सरकार विशेष नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कावड़ यात्रा की व्यवस्था के बारे में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी जिलाधिकारी प्रमुख शिव मंदिरों को साफ सफाई के साथ तैयार रखें। सभी मंदिरों में बिजली पानी तथा सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार की बनती है, इसलिए सभी जिलाधिकारी और प्रशासन को सहयोग करने का आदेश दिया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने अधिकारियों को कावड़ यात्रा के दौरान प्रत्येक सुविधा, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो या कावड़ियों के जलपान से, अच्छी तरह प्रबंध करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कावड़ियों को भी चेतावनी दी है कि वे कावड़ यात्रा के दौरान हॉकी, डंडे और बेसबॉल स्टिक का प्रयोग न करें, वरना पुलिस द्वारा कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों आप कौन सी कावड़ लेकर आते हैं, झूला कावड़ या डाक कावड़, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।